नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश, मेरे YouTube चैनल भारत निर्माण पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा बेरोजगारी पर। सोचेंगे आप, ये आदमी पागल हो गया है जो ऐसे मुद्दों पर बात कर रहा है, लेकिन आप घबराएं नहीं। मैं बात करूंगा बेरोजगारी पर ज़रूर, लेकिन भारत की बेरोजगारी पर नहीं, पाकिस्तान की बेरोजगारी पर। क्योंकि हमारे यहाँ तो लोगों के पास इतना काम है कि हम घर से निकलते नहीं हैं। अगर हम घर के बाहर निकलें तो हमें डर होता है कहीं हमारी सरकार हमें पकड़ कर ज़बरदस्ती कलेक्टर न बना दे, DM SDM न बना दे। इसीलिए मैं घर से नहीं निकलता हूँ। तो मैं आज पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। एक बहुत बड़े हमारे शायर हुए, उनका नाम है दुष्यंत कुमार। उन्होंने एक शायरी लिखी थी जो मुझे याद आ रही, तो मैं बताता हूँ। उन्होंने लिखा था, खड़ा हूँ आज भी रोटी के चार हर्फ के लिए, खड़ा हूँ आज भी रोटी के चार हर्फ के लिए, सवाल ये है कि किताबों ने क्या दिया मुझको। तो शुरू करता हूँ कुछ आंकड़ों से। आंकड़े भारत के हैं, हमारे हैं, लेकिन आपको मानना है कि ये आंकड़े पाकिस्तान के हैं। क्योंकि हमेशा जो भी गलत होता है पाकिस्तान में होता है, वहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो मैंने सिर्फ आपके इंटरटेनमेंट के लिए बनाया है। बस इस बात को ध्यान रखना कि ये आंकड़े भारत के हैं, लेकिन समझ लेना कि आप पाकिस्तान के हैं। शुरू करते हैं। सन 2019 में भारत में 1,49,123 लोगों ने आत्महत्या कर ली। आपको पता है कि 2 साल में भारत में कोरोना से कितने लोग मरे हैं? 4,53,000। और सुइसाइड से कितने लोग मरे एक साल में? 1,49,000। मतलब जितने लोग कोरोना से मरे हैं 2 साल में, उससे भी कहीं ज़्यादा लोग भारत में सुसाइड से मरते हैं। क्यों करते हैं सुसाइड? देखिए, आंकड़ा देखिए, मैंने लिखा लगा रखा है। इसमें ज़्यादातर लोग वो हैं जिनके पास काम नहीं है, युवा हैं जिनके पास काम नहीं है, बेरोज़गार हैं। आंकड़ों को बहुत ध्यान से पढ़ना, इसके स्क्रीनशॉट भी रखना, तब आपको समझ में आएगा सरकार तुम्हारे साथ क्या कर रही है, हमारे साथ क्या कर रही है। 2017 से 19 के बीच में सुसाइड करने वालों का आंकड़ा 67% यानी 67% बढ़ गया है। सन 2019 में 90,000 युवाओं ने जो नौकरी की तलाश कर रहे थे, उन्होंने अपनी जान दे दी, सुसाइड कर ली। यह आंकड़ा आपके सामने ही से देखिए। भारत के अंदर 381 व्यक्ति प्रतिदिन सुसाइड कर रहे हैं, वहीं पर आज की डेट में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 150 भी नहीं है, लेकिन 381 लोग सुसाइड कर लेते हैं उनके पास काम ना होने की वजह से, बेरोजगारी और गरीबी होने की वजह से। क्योंकि हमने पढ़ाई तो बहुत कर ली है, लेकिन सरकार से सवाल कौन पूछेगा? मैं अक्षय कुमार तो हूँ नहीं कि मैं मोदी जी से सवाल करूँ कि आप आम खाते हैं या नहीं खाते। अगर खाते हैं तो कौन सा आम खाते हैं, और कौन सा आम खाते हैं तो आम को छील कर खाते हैं या ऐसे ही खा जाते हैं? ये सवाल मैं नहीं कर सकता मोदी जी से, क्योंकि मैं अक्षय कुमार नहीं हूँ। तो मैंने यही माध्यम अपनाया है सवाल करने का। और आंकड़ों पे बात करता हूँ। 29 साल की उम्र तक के जो भी युवा बेरोजगार हैं, प्रतिदिन मेरे जैसे टीचर को शर्म आती है अपने बच्चों से बताते हुए कि प्रतिदिन 28 युवा भारत में सुसाइड कर लेते हैं जो सरकारी इम्तहानों की तैयारी कर रहे हैं। ये लिस्ट आप देखिए और यहाँ पर ही कुछ आंकड़े और भी देखते हैं। सन 2016 में आंकड़े के अनुसार 9,478 बच्चों ने सुसाइड किया था। सन 2017 में 9,905 बच्चों ने सुसाइड किया था। 2018 में 10,169 बच्चों ने सुसाइड कर लिया था। लेकिन सरकार की मेहरबानी देखिए, 2018 के बाद उसने कोई भी आंकड़ा जारी नहीं किया है कि जिससे हम बता पाएं कि 2019 और 2020 में कितने बच्चों ने अपनी जान दे दी है। सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले बच्चों में सुसाइड रेट सबसे ज़्यादा है। इसका अंदाज़ा मैं बताता हूँ कि सन 2016 से 19 के बीच में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों बच्चों में सुसाइड करने की धारणा 24% बढ़ गई है। बच्चे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, अपनी जान तक लेने में वो बिल्कुल भी हिचकते नहीं हैं। ये आंकड़े आपके सामने हैं। प्रतिदिन, प्रति मिनट, प्रति घंटे हमारे कुछ बच्चे अपनी जान दे देते हैं सरकारी नौकरी के लिए। वो भीख नहीं मांग रहे हैं, उन्होंने मेहनत की है, उनका हक है, वो फाइट करते हैं, लाखों करोड़ों में एक नौकरी की तैयारी करते हैं, लेकिन सरकार के पास इनका जवाब देने के लिए कोई भी समय नहीं है।
मैं कुछ बातें और बताता हूँ, उन्हें आप ध्यान रखिए। चलिए अब मैं कुछ डेटा को और एक्सप्लेन करता हूँ, इसे आप ध्यान से देखिए। 2017 में लोगों के 40 करोड़ 73 लाख लोगों के पास नौकरी थी। 2018 में यह आंकड़ा घटकर 40 करोड़ 50 लाख हो गया। 2019 में घटकर ये 40 करोड़ 9 हजार हो गया। 2020 में घटकर ये 37 करोड़ 50 लाख हो गया है। इस तरह से ये डेटा गिरता चला गया है। CMIE जो बेरोजगारी के आंकड़े जारी करती है, इसका कहना है कि इस समय 40 करोड़ 35 लाख लोग नौकरी कर रहे हैं भारत के अंदर। उसी ने डेटा बताया है कि 35 लाख लोग पिछले 3 महीनों में बेरोजगार हो गए हैं। ये डेटा आप देखिए, और पिछले पूरे 5 महीनों के अंदर 45 मिलियन लोग, मतलब 4.5 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई है। प्रतिवर्ष नौकरी के मामले में या काम करने के लिए युवाओं में 10 लाख नए बच्चे आ जाते हैं, जो जवान हो जाते हैं, काम करने की तैयारी में आ जाते हैं। लेकिन सरकार के पास इसका कोई भी रोड मैप नहीं कि वो कैसे इस युवा शक्ति का इस्तेमाल करेगी। जनवरी 2021 में, जो 2017 में 4 करोड़ 73 लाख का आंकड़ा था, 40 करोड़ 73 लाख का आंकड़ा था, वो जनवरी 2021 में केवल 40 करोड़ बचा, मतलब 7 करोड़ 30 लाख नौकरियां सरकार खा गई 2017 से 2021, यानी 4 सालों में 7 करोड़ 30 लाख नौकरियां सरकार खा गई है। आपको जान के हैरानी होगी कि भारत में 93% महिलाएं तो काम मांगती ही नहीं हैं। आप ये डेटा देख के अंदाजा लगा सकते हैं, केवल पुरुषों की ये हालत है। अगर 50% महिलाओं ने अपना हक मांगा होता तो ये डेटा कहाँ पहुंच जाता। केवल 7% महिलाएं ही नौकरी की तैयारी करती हैं। भारत में इतिहास में इतनी बेरोजगारी दर कभी नहीं रही जितना इस साल रही। 23.5% बेरोजगारी दर पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं थी जितनी भारत में थी। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आपको पता होना चाहिए पुडुचेरी के अंदर थी, 94% बेरोजगारी की दर थी वहाँ पे। उत्तर प्रदेश की सरकार पे मैं अलग से बात करूँगा, लेकिन अभी के लिए जानिए कि वहाँ की बेरोजगारी की दर थी 21.5%। तमिलनाडु में 49%, झारखंड में 47%। बाकी डेटा मैं लगाऊंगा, आप पढ़ना। सरकार ने 3 साल पहले करीब रेलवे की एक नौकरी निकाली थी जिसमें 1 लाख से कुछ ज़्यादा पद थे। उसके लिए 2.5 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा था। 3 साल से रेलवे ने अरबों रुपए बच्चों से वसूल लिए, लेकिन आज तक उसका एग्जाम तक नहीं करवा पाई। NTPC का एग्जाम करवाने में 2.5 साल लगा दिए, लेकिन उसका आज तक रिजल्ट नहीं दे पाई। हमारे यहाँ सरकारी नौकरी नौकरी ना होकर ये पंचवर्षीय योजनाएं हैं। बच्चों का जिंदगी खराब करने का ये एक बहुत बेहतरीन जरिया है कि बच्चों को नौकरी की तैयारी में लगा दिया जाए, जिससे वो दुनिया को भूल ही जाएं कि दुनिया में चल क्या रहा है, कि सरकारें लोगों के बारे में क्या सोच रही हैं। चलिए और डाटा की बात करता हूँ, बिल्कुल नया डाटा। मई के महीने में CMIE का डाटा आया, जिसने बताया कि मात्र 3 महीनों में फिर से 1.5 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई है। ये डेटा आप पढ़ते जाइए। 2021 में कुल 23 मिलियन नौकरियां गई हैं। 2021 यानी अभी पूरा साल खत्म नहीं हुआ, 10 महीने के अंदर 23 मिलियन का मतलब होता है 2.3 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई। इस वक्त भारत में 50 मिलियन लोग बेरोजगार हैं पूरी तरह से। डेली अगर मैं आपसे न्यूज की बात करूं, आप न्यूज देखिए तो पता लगेगा कि हाल ही में टोटल 127 मिलियन लोग बेरोजगार हुए हैं। 127 मिलियन का समझते हैं 12,07,000, 127 मिलियन होता है। इतने लोग बेरोजगार हो गए हैं। सरकार ने बताया नहीं, बेरोजगारी तो कम हो गई है। कैसे कम हुई मैं बताता हूँ। सरकार ने कहा कि 9 मिलियन लोगों को, यानी 90 लाख लोगों को नई नौकरी मिली। जानते हैं नौकरी कहाँ मिली? जब लोग कोरोना काल में शहरों से गांव की तरफ आए तो उनके पास कोई काम नहीं था, तो वो लोग अपने खेतीबाड़ी में लग गए। सरकार ने ये डाटा लगा दिया कि इन सभी को काम मिल गया है। कितने लोगों को? 90 लाख लोगों को काम मिला है। लेकिन सरकार को मुझे लगता है कि पता नहीं कि बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है और क्या होता है। इसे हम प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं। प्रचंड बेरोजगारी को मैं एक लाइन में समझा दूँ कि काम सिर्फ एक आदमी का हो,
लेकिन करते उसको 10 लोग हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास 1 बीघा खेत है, तो उसमें काम करने के लिए एक आदमी पर्याप्त है, लेकिन उसमें पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार लगे रहते हैं काम करने को। इसे हम कहते हैं प्रचंड बेरोजगारी। आप चाहें तो उसे एक आदमी कर सकता है, लेकिन हम सब लगे हैं क्योंकि हमारे पास और कोई काम है ही नहीं। और इसको सरकार ने कहा है कि नहीं, 90 मिलियन लोगों को नई नौकरियां मिली हैं। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है, उसने साफ साफ दिखा दिया है कि इसका इम्पैक्ट इतना गहरा होगा कि भारत की कम से कम 10 करोड़ लोग गरीबी को झेलेंगे। पीयू रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो बच्चे तैयारी करते हैं उन्होंने पढ़ा होगा पीयू रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, वो बताती है कि भारत में 2 सालों में 75 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। वहीं चाइना ने पिछले 10 सालों में अपने 800 मिलियन लोगों को गरीब से अमीर बना दिया, यानी गरीबी की रेखा के ऊपर कर दिया है। एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, उसने बताया है कि 230 मिलियन करीब 23 करोड़ लोग जो रोज 375 रुपए से कम कमाते थे, उनके भी कमाने और खाने का जरिया खत्म हो गया है। मैं इतनी बातें क्यों कर रहा हूँ, क्यों चिल्ला रहा हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आपको क्या ये सब पता है कि ये सब दुनिया में हो रहा है। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो और भी अच्छी बात है। खुद भी सारा दिन आप मनोरंजन की वीडियो देखिए, कॉमेडी वीडियो देखिए और अपने बच्चों को भी दिखाइए, क्योंकि आपका दिमाग सिर्फ वहीं तक विकसित हो पाया है कि आप सिर्फ कॉमेडी को अपनी ज़िंदगी बना चुके हैं। सरकार तो यही चाहती है कि आप सारा दिन मोबाइल चलाएं और उसके बारे में कुछ भी ना जानें। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि मैं सरकार को आईना दिखाऊं जो वो हमारे भविष्य के साथ, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ कर रहा है। ये बहुत जानना ज़रूरी है कि आखिर हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा। क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं तो आज हम उत्तर प्रदेश की ज़रूर बात करेंगे कि कल एक बच्चे ने एक वीडियो भेजा था जिसमें योगी जी ने बहुत ही गर्व के साथ कहा कि उन्होंने कितनी नौकरियां दी हैं। तो मैं आज उनका डाटा बताता हूं कि योगी जी ने कितनी नौकरियां दी हैं। तो योगी जी, आपने जो नौकरियां दी हैं उसका मैं डाटा बताता हूं आपको। आपने कहा कि 2016 से 2019 तक बेरोजगारी की दर 2016 तक बेरोजगारी की दर 17% थी उत्तर प्रदेश में, जब अखिलेश यादव की सरकार थी, और आज 4.5% बची है। बिल्कुल आपका डाटा बिल्कुल सही है कि आज उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी 4.5% है, लेकिन ये आप सिर्फ डाटा के लिए सही है। अब मेरा डाटा भी आप देखिए, आपने नरेगा में काम करने वालों को अपने डाटा में जोड़ा है, ये रिपोर्ट है, आप पढ़िए। और आपने कहा है कि यहाँ के लोग रोजगार पा गए हैं, यानी कि अब उन लोगों को भी आप रोजगार में गिनते हैं जो नरेगा की दिहाड़ी करके आते हैं, उनको आप रोजगार में जोड़ दिया है। आपको बता देता हूं अगली खबर, आप देखते हैं कि यूपी में, ये इसको पढ़िए तो पता लगेगा कि 58% बेरोजगारी दर बढ़ी है। केवल 2 साल में 34 लाख लोग उत्तर प्रदेश में बेरोजगार हुए हैं। ये पढ़ते रहिए आप, आपको पता लगेगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार हो या भारत की सरकार हो, किस तरह से आपसे झूठ बोलती है और आप उस पर विश्वास करते हैं। 2 साल में केवल उत्तर प्रदेश में 34 लाख लोगों की नौकरियां चली गई हैं। एक नौकरी का मतलब एक नहीं होता, एक परिवार में अगर एक आदमी नौकरी करता है तो उसके घर में 5 लोगों की जिंदगी चलती है। तो इसका मतलब अगर 34 लाख है तो 34 लाख मल्टीप्लाइड बाई 4-5 होता है, जिसके करोड़ों की जनसंख्या पे इम्पैक्ट पड़ता है। यूपी सरकार ने दावा किया कि उसने 4 साल में 4,65,000 नौकरियां दी। मेरी हंसी बंद नहीं हो रही थी जब मैं डाटा पढ़ रहा था, लेकिन जरूरी है डाटा आप देखिए। सरकार ने बताया कि उसने नौकरियां कहाँ कहाँ दी हैं, फिर मैं बताता हूँ कि उसने नौकरियां कहाँ दी हैं। उसने बताया कि हमने समाजवादी पार्टी से 4 गुना ज़्यादा नौकरियां दी है, तो देखते हैं उन्होंने क्या किया है, आओ इसे भी जानते हैं। सच्चाई देखिए और डाटा देखिए, मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि 6,65,000 नौकरियां दी, अब मैं बताता हूँ वो नौकरियां कहाँ दी उन्होंने। 2,73,657 नौकरियां उन्होंने आउटसोर्सिंग से जरिए दी है। आउटसोर्सिंग का मतलब आप समझते हैं, मान लीजिए कि मेरे कार्यालय में, मेरे घर में सफाई करवाने का काम है, वो काम एक दिन में भी हो सकता है, तो मैंने किसी को दिहाड़ी दी और एक दिन में काम करवा लिया, काम हो गया खत्म। इसी को कहते हैं आउटसोर्सिंग। तो सरकार ने जितने दिन दिहाड़ी करवाई है, सरकार ने उसे कहा है कि रोजगार दिया है। कितना रोजगार? 2,73,657, इसे कहते हैं आउटसोर्सिंग। अब आते हैं, सरकार ने 47,546 कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब दी हैं, ठेके पर जॉब दी हैं। कितनी बेहतरीन बात है ना, सरकार ने हमें ठेके पर रखा है, लेकिन उसने कहा नहीं, हमने सरकारी नौकरियां दी हैं। हाल ही में मैं एक डेटा और बताता हूँ, 58,000
ग्राम पंचायत सहायक की वैकेंसी आई, 6,000 रुपये की तनख्वाह है, नरेगा की तनख्वाह से कम है, और वो भी एक तरह की कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, कोई परमानेंट जॉब नहीं है। सरकार ने अपना डाटा बढ़ाने के लिए इसीलिए केवल 2 महीने पहले इस वैकेंसी को निकाली कि उसे वो बता सके कि हमने इतनी नौकरियां दी है। 6,000 रुपये प्रतिमाह की नौकरी उसने दी है 6 महीने, और 6,000 रुपये के जगह पर 58,000 वैकेंसीज निकाल दी। हम बेवकूफ़ थे, हमें कुछ पता ही नहीं लगा। और देख लेते हैं ये डेटा, देखिए उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस की बहुत नौकरियां दी हैं, कितना झूठ बोला है उन्होंने। 2016 में जब अखिलेश की सरकार थी उसको भी डेट दिया है, जुल्म दिया उन्होंने, जब 34,716 वैकेंसीज अखिलेश यादव की थी। उसके बाद एक वैकेंसी उन्होंने 41,520 निकाली, दूसरी 49,568 निकाली, उसमें भी केवल 36,000 बच्चों को ही नौकरी मिली, बाकी लोगों की आज तक नौकरी लगी नहीं, यानी ज्वाइनिंग उन्होंने केवल 36,000 लोगों की करवाई थी। आपको समझना होगा कि सरकारें कैसे बात करती हैं। सरकार ने अपने आंकड़े में जो नौकरी का अभी तक फॉर्म तक नहीं आया उसको जुड़वा दिया है। UP SSC बोर्ड जिसने कहा कि हम 33,000 नौकरियां देंगे, सिर्फ अखबार में वो डेटा आया है कि लेखपाल की जॉब आएगी, सचिव की जॉब आएगी, BDO की जॉब आएगी, हुआ कुछ भी नहीं। लेकिन सरकार ने अपने आंकड़े में जोड़ कर दिखा दिया उसने कि देखिए हमने 6,65,000 नौकरियां दी। वीडियो अब बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, मुझे लगता है आप बोर भी हो जाएंगे और लास्ट तक देख भी नहीं पाते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सवाल करना सीखिए। अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो एक कहावत है अच्छी कि आज अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियाँ गूंगी पैदा होंगी जो किसी से सवाल नहीं कर पाएंगी। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है, मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, तो सबसे पहला काम है कि इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हर व्यक्ति तक ऐसे आंकड़ों को, स्टूडेंट्स को पहुंचाएं, देखें जो सरकार के बारे में अपनी समझ को विकसित कर पाएं। धन्यवाद।